हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स क्लास ट्वेल्थ हिंदी कोर का चैप्टर नंबर थ्री से फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आने की मुझे कि 99% चांस इन सारे क्वेश्चन से बन जाते हैं फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन आंसर, मॉडल सेट सॉल्यूशन, एजुकेशन न्यूज एंड आंसर की इन सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इतने ही आपको करना है, सारा का सारा आपको प्रॉफिट आपको इस चैनल के माध्यम से इन सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपका ट्वेल्थ में फ्रेंड्स, ट्वेल्थ में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, सिर्फ आर्ट्स के लिए फ्रेंड्स, आर्ट्स के लिए, और दूसरा फैकल्टी के लिए नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ आर्ट्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट हिंदी कोर का चैप्टर नंबर थ्री कुंवर नारायण कविता के बहाने, इस चैप्टर से फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, समझिए कि इस चैप्टर का निचोड़ आपको टर्म वन के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि यह चैप्टर टर्म वन में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर वन में देखिए क्या दिया हुआ है आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में, कविता के बहाने किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, आप कविता का नाम और उसके रचनाकार कौन कौन है, आप इसे जरूर याद कर ले फ्रेंड्स। सारे कविता का नाम और उसके रचनाकार आप जरूर याद कर ले फ्रेंड्स। कंफर्म आपका है कि कम से कम नहीं तो दो नंबर आपका कंफर्म है कि ट्वेल्थ में आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन में देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कुंवर नारायण कविता के बहाने, यानी कि कविता के बहाने के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया हुआ कुंवर कवि कुंवर नारायण की रचना कौन सी है, कवि कुंवर नारायण की रचना कौन सी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कविता के बहाने इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अरे सही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसे भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप बताइएगा तभी हम उसका वीडियो बनाकर आपके समक्ष ले आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है, कौन कविता के पंख लगाकर इधर उधर उड़ता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसे कॉपी में नोट कर लें, या आप इस क्वेश्चन का फ्री में पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कवि है जो कि फ्रेंड्स कविता के पंख लगाकर इधर उधर उड़ता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या दिया हुआ है, कविता की उड़ान कौन नहीं जान सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या दिया हुआ है, चिड़िया के उड़ान की तुलना किससे की गई है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस चैप्टर से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कविता की उड़ान से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें दिया हुआ कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार से भी समझे कि एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, काकु वक्रोक्ति अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या दिया हुआ है, यह कविता है फ्रेंड्स जो कविता के बहाने हैं, यह कैसी कविता है।
क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त छंद। मुक्त छंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या था क्वेश्चन नंबर एट। इसमें दिया हुआ कविता के कविता में विचारों की अभिव्यक्त डैश है। कविता में विचारों की अभिव्यक्त डैश है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा निश्चल। निश्चल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि कविता के विचारों की अभिव्यक्त निश्चल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए क्या दिया हुआ है। बच्चे का मन किस भाव से प्रेरित होता है। बच्चे का मन किस भाव से प्रेरित होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निस्वार्थ। निस्वार्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या था क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। सुख का सच्चा अनुभव कौन नहीं कर पाता है पाते हैं। सुख का सच्चा अनुभव कौन नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फूल। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो चैप्टर वाइज से रिलेटेड हो या मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड हो सबसे पहले आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखें। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज एक अच्छा सा कॉमेंट करिए जरूर बताएं। और वीडियो को आपको अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।